हेलो दोस्तों, कंप्यूटर जीके के क्वेश्चन दोस्तों, जो कि दोस्तों आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ दोस्तों, और देखते रहिए कंप्यूटर जीके के क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है दोस्तों? तो वर्ल्ड फ्रेम एल्फा नहीं है दोस्तों सर्च इंजन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है दोस्तों? तो वर्ड दोस्तों हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर दोस्तों? तो नॉर्टल सॉफ्टवेयर दोस्तों एक प्रकार का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सा एक ओएसआई की थर्ड लेयर है दोस्तों? तो नेटवर्क है दोस्तों ओएसआई की थर्ड लेयर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सा एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों? तो एमएस डोस होता है दोस्तों एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सी एसेसरीज नहीं है दोस्तों? तो एमएस ऑफिस नहीं है दोस्तों एसेसरी का नाम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सी डाटाबेस की भाषा नहीं है दोस्तों? तो बेसिक नहीं है दोस्तों डाटाबेस की भाषा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेट के पते में पद एच टी पी का सही विस्तृत रूप है दोस्तों। तो एच टी टी पी का फुल फॉर्म है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया दोस्तों? तो जे एस किल्बी ने किया दोस्तों आईसी चिप का विकास दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं दोस्तों? तो इसे सर्किट बोर्ड बोलते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट को दोस्तों। अगर दोस्तों कंप्यूटर जीके के क्वेश्चन पसंद आए दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए दोस्तों, और इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से अपने दोस्तों को भी शेयर किए दोस्तों।